जंगल का पुत्र। राजगढ़ के राजा शक्ति सिंह की दो रानियां थी, प्रेमलता और सुमनलता, दोनों सगी बहनें थी। कुछ समय बाद प्रेमलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रेमलता द्वारा पुत्र को जन्म देने के बाद सुमनलता मन ही मन उससे जल उठी। उसे लगा कि अब महाराज की नजरों में उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। वह यह चाहती थी कि भविष्य में उसका होने वाला पुत्र ही राजा बने। प्रेमलता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उसके माथे पर एक लाल निशान था। सुमनलता ने उस बच्चे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह राज ज्योतिषी से मिली और उसे लालच देकर अपनी योजना बताई। वह ज्योतिषी योजना अनुसार राजा के पास गया और बोला, महाराज आपका यह पुत्र आपके लिए भाग्यशाली नहीं, एक खतरा है जो बड़ा होकर हम सबके विनाश का कारण बनेगा। राजा ज्योतिषी की बातों में आ गया और उस बच्चे को जंगल में छोड़ाने का आदेश दिया। सैनिक उस बच्चे को जंगल में एक शेर की गुफा के बाहर छोड़ आए। कुछ देर बाद उस गुफा से शेर के दो छोटे छोटे बच्चे निकले और उस बच्चे के साथ खेलने लगे। इतने में वहां शेरनी भी आ गई। शेरनी ने जब अपने बच्चों को मानव बच्चे के साथ खेलते देखा तो स्वभाववश उसे भी उस मानव बालक पर दया आ गई। वह उस बच्चे को अपना दूध पिलाकर पालने लगी। अब वह बालक जंगल में शेरनी के साथ ही पल रहा था। एक दिन अन्य नगर का राजा सुमेर सिंह जंगल में शिकार खेलने आया। उसने उस शेरनी को देखा तो उस पर तीर चला दिया। शेरनी घायल होकर अपनी गुफा की तरफ भागी। सुमेर सिंह भी उस घायल शेरनी के पीछे भागा। वहां पहुंचकर देखा कि शेरनी मरी पड़ी है और पास ही दो शेर के बच्चे तथा एक मानव बालक रो रहे हैं। तब उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। वह शेर के बच्चों तथा मानव बच्चे को अपने साथ ही महल में ले आया। मानव बच्चे को उसने अपना पुत्र स्वीकार कर उसका नाम नवल किशोर रखा। समय के साथ साथ शेर के बच्चे तथा राजकुमार नवल किशोर बड़े हो गए। सुमेर सिंह ने शेर के बच्चों को जंगल भिजवा दिया। अब वे हट्टे कट्टे शेर बन चुके थे। नवल किशोर भी बीच बीच में जंगल जाता रहता और अपने शेर भाइयों से मिलता रहता। एक दिन नवल किशोर जंगल में आया हुआ था। उसी समय उसका जन्मदाता पिता शक्ति सिंह भी जंगल में शिकार खेलने आया। अचानक ही शेरों ने शक्ति सिंह पर हमला कर दिया। तभी नवल किशोर की नजर उन पर पड़ गई और उसने दोनों शेरों को रोक दिया। शेरों ने नवल किशोर की बात मान ली और शक्ति सिंह को छोड़ दिया। शक्ति सिंह ने जब नवल किशोर को देखा तो चौंक पड़ा। उसके माथे पर वैसा ही लाल निशान था जैसा उसके पुत्र के माथे पर था। राजा ने उस नव युवक से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं जंगल का पुत्र हूँ। मेरी माता शेरनी की मृत्यु हो चुकी है। पिता को नहीं जानता, लेकिन पालनहार पिता राजा सुमेर सिंह है, नवल किशोर ने कहा। राजा शक्ति सिंह समझ गया कि वह उसी का पुत्र है। उसके कानों में राज ज्योतिषी के वही शब्द गूंज रहे थे कि यह बालक अशुभ है और उसके विनाश का कारण बनेगा, जबकि आज उसी बालक ने उसकी जान बचाई। राजा शक्ति सिंह महल में पहुंचा और राज ज्योतिषी को बुलाकर उसे सख्ती से सच्चाई के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि छोटी रानी सुमनलता के कहने पर उसने यह सब किया था। राजा ने राज ज्योतिषी और छोटी रानी को कारागार में डाल दिया। राजा को भी उसके किए की सजा मिल गई थी। उसके बाद उसे दूसरी कोई संतान नहीं हुई। राजा शक्ति सिंह पड़ोसी राजा सुमेर सिंह के दरबार में आया और उनको सारी व्यथा सुनाते हुए उनसे अपना पुत्र मांगा। सुमेर सिंह को भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए नवल किशोर ही उसका इकलौता वारिस था। वह भी वहां उपस्थित था। दोनों राजाओं ने संधि कर ली और तय हुआ कि भविष्य में दोनों राज्य एक हो जाएंगे और नवल किशोर ही उसका राजा होगा। कथासार, किसी की कही बातों पर अमल करने से पहले उसके परिणामों के विषय में सोच लेना चाहिए। मात्र किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े।